मस्त वाला निकला है, बाहर वेदर भी अच्छा हुआ है। आनिया के चेहरे पे तो इतना खुशी है कि उसका लास्ट टाइम हम लोग ये रोड से नहीं गए हैं सिंह भाई। हाँ ये अलग लेके जानी है लास्ट टाइम, तो परी चौक आ गए। परी चौक आ गए बेटा। अब यहाँ से क्या कैसा लग रहा है? खोलो भाई। देखो ए गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी आन्या को ड्रॉप करके हम लोग टहलने निकले हुए हैं और जबरदस्त कड़क धूप हो गया है और हमने दो चक्कर भी लगा लिया। एक्चुअली पता नहीं चला ना, क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहे थे। धूप तो बहुत तेज है यार आज, बहुत ज्यादा। ठंडक हो गया ना। गजब सुंदर लग रहा है ये। खट्टा वाला दीदिया में देखिए पूरा भर के नोनी जमा है फ्रेश, यहीं से तोड़ के अपने आप जमता है या इसको जमाते हैं? नहीं ये जम जाता है अपने आप, देखिए नोनी इतना भरा हुआ। वाह ये देखो पूरा साग उठा के ले जाएंगे यहाँ से। अभी मत ले लो। अच्छा ये जीतिया में खाते हैं। इसका स्मेल देखिए कितना। अगले दिन ना जीतिया के? नहीं जीतिया करने के पहले खाते। अगले स्मेल करिए। इसका पकौड़ी नहीं बनता है? हाँ वही पकौड़ी वही है। हाँ चलो जी, तो योगा योगा अभी कंप्लीट हुआ। देखो घर पूरा बिखरा पड़ा है दोस्तों, तो अभी सब समेटना है। सौरभ को आज मीटिंग है मतलब ऑफिस में, तो उनको निकलना है। मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। योगा करके थोड़ा सा थकान हो गया, मतलब थकान नहीं अच्छा फील हो रहा है, पर थोड़ा रेस्ट अभी 10 मिनट करूँगी ब्रेकफास्ट देके सौरभ को, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स। हड़बड़ हड़बड़ हो गया है थोड़ा, तो अभी सौरभ के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसा। ये देखो मस्त वाला डोसा बन रहा है, एकदम क्रंची क्रंची। ओ माय गॉड, किसको किसको मुँह में देख के पानी आ रहा होगा। मॉर्निंग का डोसा ये देखो, ओ ये देखो। हे गाइस, नहा के आ गया मैं, निकलना है आज ऑफिस, मीटिंग है जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ देखो भाई क्या गजब डोसा बनाई है सिंपी आज। डोसा एक बार में आपसे भी अच्छा, आपसे अच्छा बना के नहीं पता। बहुत अच्छा यार, मतलब देखो ये देखो, अब हम भी खिला सकते हैं डोसा। अब सिंपी भी डोसा खिला सकती है भाई। चलो सिंपी आ रहे हैं। जी मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ, थोड़ा ओट्स मूसली और ये फ्रूट्स है। तो हर दिन हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते थे हम और सौरभ, बाजो मीटिंग था तो निकल लिए, तो अकेला अकेला घर पूरा खाली लग रहा है अचानक से। आने हुए स्कूल सौरभ अभी वन वीक से थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो घर पूरा ये लग रहा था। अभी अजीब सा लग रहा है एकदम अकेले ब्रेकफास्ट करने में। तो चलो फ्रूट्स खाती हूँ, फिर थोड़ी देर में काम वाम करके नहाऊंगी, फिर पूजा करूंगी। सौरभ निकल गया आज गर्मी वापस से, गुड़गांव जो मतलब पहले वाली गर्मी थी वापस हो गई। गर्मी तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, धूप बहुत कड़क हो गया। आप देख रहे हो बाहर कैसे धूप निकला हुआ है, तो सारा घर बिखरा पड़ा है, समेटना है। सबसे बड़ा काम लगता है घर क्लीन हो जाए, फिर ऐसे मेरे को लगता है मतलब मेरा है कि हम खुद नहा धोवा लिए और वैसे क्लीन हो गया, वो नहीं। मेरा ये है कि मेरा घर पूरा क्लीन हो जाए, तो लगता है मेरे को खुद में कि मैं भी पूरा क्लीन हो गई हूँ। जब तक घर नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है तो अजीब सा एक अंदर में मेरे को खुजली मचता है घर पहले साफ़ हो जाए, क्योंकि बिखरा पड़ा रहता है ना, तो लगता है हर जगह मतलब हर चीज़ बिखरा पड़ा है, वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। पर चलो पहले ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है टाइम पर। मेरा पूजा हो गया, जस्ट अभी हमने पूजा भी कर लिया। चलो जी आन्या को लेने के लिए जा रहे हैं। आज इतना कड़क धूप निकला है ना दोस्तों, मतलब एकदम चल चलाता हुआ जिसको बोलते हैं ना वो है। गर्मी तो वैसा नहीं है, धूप बहुत तेज निकला हुआ है। ये देखो बाहर का नज़ारा, पत्ते पूरे ग्रीन ग्रीन एकदम दिख रहे हैं, बारिश से सारे पत्ते साफ़ हो गए हैं, पर मौसम एकदम चमचमाता हुआ, एकदम धूप निकला हुआ है। A few hours later. चलो जी आज आन्या का ड्राइंग क्लास था, तो उसको लेने जा रही हूँ। बीच में दो क्लास किया नहीं था, तो मैम ने आज उसको
मतलब बोला कि एक्स्ट्रा क्लास दे देती हूँ, वो कंप्लीट कर लेगी। आज 4 बजे से ही मतलब वो स्कूल से आके ही उसका पूरा हेक्टिक रहा है क्लास। फिर अभी मतलब 5 बजने वाला है, अभी उसका फिर 5:15 से 5:15 से उसका फिटनेस क्लास है। तो अभी घर जाएगी, थोड़ा देर 15 मिनट फ्रेश होगी, फिर उसके बाद ड्राइंग है, फिटनेस क्लास जाएगी। चलो यार निकल गया ऑफिस से और अभी बज रहा है 5:00। आज फ्राइडे है तो वैसे भी जल्दी निकलने से ट्रैफिक अवॉइड होगा। ट्रैफिक तो वैसे धीरे धीरे अब बिल्टअप होना स्टार्ट होगा, इस टाइम पे निकलने से एटलीस्ट 20-25 मिनट का फर्क तो पड़ेगा। भाई देखो क्या गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है यार, ऊपर से देखो मेरे आगे है वॉल्वो V90, कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई होगी, ये भी अभी लोड होके ही जा रही है। चारों तरफ ट्रैफिक है भाई, चारों तरफ ट्रैफिक। राजा ने अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है। हाय, आज यहाँ कर रही हो? हाँ सर है ना, सर है ना, सर को मैम बना दे। चलो यार आ गया मैं, सिंपी अन्या को लेके गई हुई है पार्क, वहाँ पे आज उसका फिटनेस का क्लास होता ना, तो अभी जाके सरप्राइज देते हैं अन्या को। अन्या हाय, ले हो गया पिक्चर ले लो सर, सर का पिक्चर। हाँ सर का पिक्चर। अरे कौन आ रहा है आदमी, साथ में कोई नहीं आ रहा ये क्या? हाँ तुम लोग सब लटक जाओ बेटा, रुको हम देखना चाहते हैं, थोड़ा और लटको देर तक चले। हाँ। क्या हो गया इनको, पिज्जा खाने का मन है? चलो यार अच्छा चलो यार अन्या को पिज्जा। अरे कहाँ, कौन से गाड़ी में जा रही है तुम, अपना गाड़ी तो देखो बताइए यार, लोग को गाड़ी भी अपना नहीं पता चल रहा है, कैसा दुविधा है। Hey guys, good morning. Actually, good morning नहीं, good afternoon, क्योंकि बज रहा अभी 1:30 और हम लोग जो है अभी खा रहे खिचड़ी खा के हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं बाहर। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो बस हमने सोचा यार थोड़ा हल्का सा सुपाच्य और बिल्कुल लाइट सा खाना खा ले दही के साथ, क्योंकि रास्ते में जाते वक्त या ट्रैवल करते वक्त हैवी खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को, क्योंकि आपको भूख लग जाएगा ना रात में। अब खा लो, चलो खा लो फटाफट, आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। जैसे अन्या पहनी है चमकीला फ्रॉक, चमकीला नन्ना लल कारी नाले टिटन डिंग 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 डिंग। ये देखो कैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन का पीक आ रहा है, ये देख रहे हो, ये 100% कंजम्पशन, ये 100%, ये 99% कंजम्पशन, अब एवरेज जो है ये 27-28% पे आ रहा है। बट ये जैसे ही इस पॉइंट को ब्रीच करेगा ना, ये पूरा क्रैश कर जाता है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा फिल्मोरा में प्रॉब्लम क्या है, ये पिछले कितने देर से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो अभी 27% हुआ और मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, बिकॉज़ हर बार जब ये वीडियो क्रैश हो रहा है ना तो मेरे को दोबारा से उसको अपलोड करना पड़ रहा है और एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। और देखो टाइम कितना दिखा रहा है, अभी सिर्फ 27% हुआ, मेरे को लग रहा है 40 मिनट से ऊपर हो गया मेरे को बैठे हुए, एंड इट इज़ ए हाईली फ्रस्ट्रेटिंग। पहले ऐसा नहीं करना होता था मेरे को, सिर्फ बैठ के वीडियो अपलोड किया, सॉरी वीडियो एडिट किया, रेंडर किया और सीधा एक्सपोर्ट, मैं देखने भी नहीं आता था, अपने आप हो जाता था। ओ यार कितनी कड़क धूप है, बट मौसम में पहले जैसा गर्माहट नहीं है जो मई जून में होता था। पूरा 1.5 घंटा से ऊपर वेस्ट किया मैंने, वीडियो अपलोड में डाला और वीडियो वापस से क्रैश कर गया यार।
ये देखो आनिया सीट बेल्ट नहीं लगाई है, रुको मैं लगाती हूं। तो टू 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 आवाज कर रहा है। और यार जबरदस्त धूप निकला हुआ यार, वहां पर इसको बोलो स्लो चलने के लिए, लड़की तेजी में भागेगी। चलो यार, तो ट्रिप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्रिप स्टार्ट करने के पहले एक बार बोल दें, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मणे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, राधे 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 राधे, जय माता दी। लेट्स रॉक गाइस, चलते हैं फिर आते हैं हम लोग वापस। और एकदम धूप मस्त वाला निकला है बाहर, वेदर भी अच्छा हुआ है। आने के चेहरे पे तो इतना खुशी है कि उसका असर तो दिख ही रहा है इधर। किधर देख रही हूँ, पर लाइट चल रही है, बंद क्यों नहीं हो रहा कार का? पर लाइट जल रहा है चारों तरफ, ऐसा है क्या? हाँ अभी बंद, अभी बंद हो गया। हाँ आने ने टच किया, बंद हो गया। तो चलो गाइस, थोड़ा ब्लॉग आजकल बिन टाइम का जा रहा है, मतलब कभी रात में, कभी सुबह में, कभी आफ्टरनून में। रात में जादू तो है गाइस, जो मम्मी बोल रही है ना कि लाइट। ठीक है ठीक है, तो उसके लिए यार थोड़ा लैपटॉप में कुछ इशू आ गया, तो बहुत लेट हो रहा है ब्लॉगिंग, मतलब ये सॉरी अपलोड करने में, टाइम थोड़ा इसके कारण ही गड़बड़ हो गया है। तो इसके लिए सॉरी यार, आप लोग बस हमारा ब्लॉग देखो मस्त होकर। ब्लॉग आएगा तब तो देखेगा लोग। हाँ तो आज वही लेट अभी ब्लॉग फिर से जाएगा, मतलब ये तो अभी तो ब्लॉग ये तो जाएगा ऑलरेडी आपको डेढ़ दिन बाद, तब तक तो ब्लॉग आ चुका होगा। तो प्लीज़ ब्लॉग एंजॉय करो, देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो अभी निकल खुद तुम्हारा करोड़ के आस पास का होगा मिनिमम, और ये साइकिल तो और भी नहीं होगा। बोले विडम्बना है आपको चलाना साइकिल है जिसको आप कैरी कर रहे हो बहुत महंगी सी गाड़ी में, और इसको वहां ले जाओगे जहां से आप साइकिल चलाओगे। सही वो तो फ्लाई ओवर पे कैसे जाम है, गाड़ी एकदम रुकी हुई है। लोग तो नीचे वाला साइड से आ गए। हाँ पता नहीं, गूगल ने अलग रास्ता बताया, पूरा लाल ट्रैफिक दिख रहा है। नहीं मतलब ये, लेकिन फिर भी मूविंग है यार अभी, लेकिन हम लोग फ्लाई ओवर पे ही मर्ज करना है। वो तो है, पर देखो इस साइड पूरा लाल एकदम भर के ट्रैफिक है, गाड़ी का मूवमेंट नहीं है। देखो नेशनल हाईवे होती है ये, नेशनल हाईवे ही तो कनेक्ट कर रहे हैं वापस। हाँ हाँ यही लेना ही है, फिर वही घुस जाना है ट्रैफिक में वापस, पूरा लाल लाल। इधर देखो ना सब लोग कट रहा है जबकि, क्या करें, जाना तो होगा इधर ही से, जाना उधर हम लोग का रास्ता कि चल रही है ऐसे, गाड़ी का मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। चलो जी दिल्ली तक आ गए हम लोग अभी। आज हम लोग वो चाणक्यपुरी वाला, हाँ चाणक्यपुरी वाला रूट लेके जा रहे हैं। इधर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है, कहाँ इधर रहता है भाई। हाँ मतलब अभी नहीं है, अभी नहीं है। कितना खूबसूरत लग रहा है दोनों तरफ से पेड़, एकदम रोड खाली, बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओ भाई किधर है हम लोग अभी, ये एम विश्वेश्वरैया मोतीबाग। देखो भाई अभी ट्रैफिक तो लगा हुआ है। हाँ सिग्नल है, चल पकड़। गजब लग रहा है भाई, मजा आ रहा है, दिल्ली लग ही रहा है दिल्ली। एकदम खाली रोड और एकदम मस्त, दोनों तरफ जो है मतलब पेड़ से ढका हुआ सड़क पे जो छांव आ रहा है धूप को कवर करते हुए, अल्टीमेट है भाई, बहुत सुंदर। क्या अन्या क्या कर रही है, नींद आ रहा है? बिना नींद से कुछ बिना सो गई कि नहीं, सोनी नहीं सोई कि नहीं, वो सोने का निकालो मिल्क से, ला मम्मी उसको दे दे करके। सिर्फ 400 ग्राम
अच्छा उसमें देख लेना यार वो किसको बोलिए गोड़ लगा था नानी को अच्छा ठीक है नानी ब्लॉग देखना नानी अब बोलिए तुमको गोड़ लगा था नहीं लास्ट टाइम हम लोग ये रोड से नहीं गए हैं सिंधी हाँ ये अलग लेके जा रही है मेरे को इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे चलाने में बहुत सुंदर लग रहा है बहुत मजा आ रहा है दिल्ली की सड़क की बात ही अलग है दिल्ली का स्पेशली ये सड़क ये लुटियंस ये मेरे रोड है भाई लुटियंस एरिया देखो ना आर्मी के फोर्ट सारे हाँ ये अलग टाइप अलग रोड है सिपर उसी में लगाओ ना ये मतलब सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है हाँ ये तो है ये दिल्ली का वो पार्ट है ना जहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी एक्सेस नहीं है अश्विनी कुमार चौबे का ये था अच्छा घर हाँ चौबे जी का हाँ पीछे छोटी चलिए चौबे जी के नहीं चलते हाँ, हम लोग भी चौबे वो भी चौबे चौबे जी का था अश्विनी तो हमारे ही तरफ से लेके चले क्या और अपने गाड़ी में लगवा देते हैं चौबे बिल्कुल क्यों नहीं एकदम एक घंटा बता रही है बस एक घंटा एक मिनट फाइनली देखो यार 4:30 हो चुका है कोई फैमिली वाले का घर होना चाहिए था ना यहाँ पे ऐसे तुगलक लेन में और ऐसे बहुत सुंदर रोड है लड़का बहुत खूबसूरत इतना सुंदर अंदर में बहुत प्यारा हम तो मंत्री नहीं है हम तो आम आदमी है फिर भी घर देख के बड़ा घर देख के बड़ा ये होता है अरे अभी फिर से सिग्नल आ गया बैठे बैठे जैसा लग रहा है पेट में अभी है तेरा एक मिनट का है एक मिनट का अच्छा सिग्नल मजा आ गया क्या जबरदस्त रोड से इस बार पूरा डिफरेंट रोड से हम लोग आए हैं याद है लास्ट टाइम वो कबूतर उबूतर और वो सब वाला जगह से गए थे पता नहीं जाएंगे आगे ये थोड़ा अलग रूट से ले जा रहे हैं अंदर अंदर दिल्ली में पूरा घुमा के लेके बट आई एम हैप्पी हम 2 किलोमीटर ज्यादा और घूमेंगे लेकिन ऐसा रोड से जाना है लंबा रूट से ले जा रहा है दोस्तों हम लोग को इसके पहले जब गए थे ना तो लास्ट टाइम लंबा रूट नहीं था कॉलोनी है ना ये पता नहीं जोर बाग है यहाँ पे घर हो तो बड़ा सुंदर सुंदर घर है यार कोठी जिसको बोलते हैं ना महंगा हो दिल्ली वाले लोग का कोठी है ये करोड़ों में देखो यहाँ पे रिक्शा भी चल रही है तो रिक्शा तो दिल्ली में रिक्शा चलता मतलब है। वो वाला रिक्शा हाथ वाला जो एक आदमी चलाते हैं पैर वाला पैर मतलब हाँ एक ही बंदा चलाता है यहाँ पूरा सफाई हो रहा है यूनिफॉर्म पता नहीं क्या क्या चीज कुछ का तो है भर के कपड़ा सूख रहा है भर भर के बाकी हम लोग को फ्लाईओवर चढ़वाएगा भी कि नहीं कि नीचे ही नीचे ले जाएगा ऊपर से हम लोग जाते थे ऐसे जाते हैं तो हमको लगा ये गाड़ी इधर उल्टा क्यों चल रही थी देखे नहीं हो तो क्रेन में टंगी हुई है चक्कर बहुत सुंदर लगता है बहुत सुंदर लगता है बनाया हुआ ही वैसे तड़का बस लगा अंग अंग फड़का वही हो गया यमुना नदी आज क्या सामने से दिख रही है हाँ सामने से क्या दिख ही रही है यमुना नदी आज हाँ पानी कितना गंदा है ना अच्छा ये क्या कर रहा है रे फिरंगिया लोग फिरंगी लगे ना बहुरैले भी है क्या देख देख मार एकदम लग रहा है कि
ढोल नगाड़ा वाला गाना बज रहा है। बल्ले 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 मस्त देखो ना ये लोग डांस कर रहे। गाड़ी हमको पहले लगा गाड़ी हिल रहा है क्या, आपको कैसे पता चला कि फिरंगी लोग हैं? मुंह में बाल नहीं देख रही हूँ, बड़ा पहचान है फिरंगी लोग का आपको तो। अरे यही से दिख रहा है यार, इंडियन नहीं है 100%। इंडियन ऐसा पगला टाइप का नहीं करता है, थोड़ा सा सेंस में रहता है। ये सब माल वाल फूक लिया होगा उसके बाद बस उड़ रहा है, गाड़ी के अंदर ही इन लोग को लग रहा है कि आ गए हम कहीं। चलो आगे, अभी अनवी वेट कर रही है। ये कौन बोलता है ऐसे? कौन बोलता है ऐसे? ऐसे बोलती है। हाँ ऐसे बोलती है अनवी। अब गंदा मत करो। जी अभी हम लोग आ गए, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा, आपका स्वागत है। आइए आइए, हम लोग बैठे हैं, स्वागत करते हैं। आइए आइए, पकौड़ी खाइए, चाय पीजिए। ऐसे भी टाइम हो गया है। ये जाती है जेवर, और क्या खतरनाक एक्सप्रेस वे है। ये वही है, ये इडा वाला ना। परी चौक आ गए बेटा, अब यहाँ से और 10 मिनट। कहाँ है सिंपी? नाचती हुई परी दिखाओ जरा। अरे नाचती हुई परी नहीं है दोस्तों, खड़ी है सब, नाच रही है। बहुत अच्छा लगता नहीं सिंपी? ग्रीनरी डेल्टा 1 डेल्टा 2। यार मेरे को क्रॉक्स इसीलिए नहीं पसंद है, पैर में इतना पसीना आता है। इससे अच्छा तुम्हारा बाटा का फ्लोट्स है, वो जो चप्पल ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। दोस्तों आप लोग जो है ना क्रॉक्स छोड़िए, बाटा का फ्लोट्स पहनिए। हाँ। मैं तो ट्राई करता हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है। बट बाटा फ्लोट्स में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी उसमें, नहीं आता। यार हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ उतर के ना कमर सीधा कर ले, और ये जगह मेरे को इतना खूबसूरत लगता है ना, मैंने सोचा यार थोड़ा सा फोटो वोटो भी ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा जगह है, व्यू देख रहे हो आप, ये देखो है ना, बहुत खूबसूरत। क्या कैसा लग रहा है ना, सही? चलो चला जाए। हाँ चलो, इसलिए अच्छा, मतलब विचार है, विचारधारा बहुत अच्छा है। चलो यार आ गए हम लोग। आन्या उतरी नहीं बिच्छा, चलो देख के गाड़ी है। चलो यार आ गए हम लोग एसके मेट्रोविल, और एक बार चले। खोलो भाई, देखो आन्या अभी अनवी का ही कॉपी कर रही थी गाड़ी में। हाँ क्या बेटा? हाँ तुम कुछ ज्यादा याद कर रही थी बेटा, आना पड़ गया। हाँ बेटा ठीक है। अच्छा प्याजू बना रही हो? बहुत बहुत प्याजू बनाने के लिए शादी बनाए नहीं हो सकता है। अरे अरे बिल्कुल। गरम गरम बारिश हो रही, चलो बाद में करवा लेंगे। तेरा ऊपर वाला नलवा खुलवा ना दो किसी का, बारिश टाइप का लगता है। क्या बेटा क्या क्या कौन आया? चार दिन मुड़ा जाएगा क्या? अरे गजब शर्ट पहना भाई, शर्ट टाइट पहना है तो क्या होगा? अरे लेकिन गजब खतरनाक शर्ट पहना है। ये एल होगा सर, पहले हम एक्सल पहनते हैं। हाँ ये लेके आई होगी मीडियम एल। एल अच्छा, डबल एक्सल पहनते हैं।
ओहो हो जबर, क्या बढ़िया है। खाली गाड़ी में बोलना होता है तुमको कि सब मत बनाओ, कैसे ये वो। देखो यहाँ आके सबसे पहले वो ठूंस रही है। ये क्या की है आन्या, देखे क्या तुम कैसे की है। चलो देखो बचवा लोग जो है खाना खा रहा है, ये लोग खा लेगा ना तो फिर हम लोग आराम से खा पाएंगे। हाँ नहीं पहले ये लोग खा ले यार, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। बहुत परेशान करता है ये लोग, खा लेगा तो सुकून मिल जाएगा। थोड़ा सोएगा तब तो हम लोग बैठ के सीरीज वरीज भी देखेंगे, है कि नहीं, है ना बच्चा लोग। वेरी गुड।